सबके भीतर स्थित उस परमात्मा को नमन जो सभी जीवधारियों के भीतर है और इस सृष्टि को भी चला रहा है, उस सृष्टि का संचालक परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से जो सभी प्राणियों को जीवन दान दिए हैं और इस सृष्टि को प्राणवायु प्रदान किया है, तो उस सृष्टि के संचालक को नमन। आज हम सब लोग राम कथा के इस चौथे सोपान पर भगवान राम को वहां पर ले चलते हैं जहां सुख और दुख का मिलन है, जहां पर एक तरफ बहुत ही सुख था, शारीरिक सुख था, मानसिक सुख तो हर स्थिति में हर सबको हो सकता है, कैसी भी परिस्थिति हो, मानसिक सुख सुखी रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो उस कंडीशन पे ले चलेंगे जहां पर परमात्मा मानसिक सुख कैसे मिलता है, इसको दुनिया को सिखाने के लिए एक नर लीला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जहां पर अयोध्या की राजगद्दी थी, जहां पर राजभवन के सुख थे, जहां पर हजारों लाखों नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं धन संपत्ति थी, और वहीं पर एक भिखारी सा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें आपके पास कुछ भी ना हो, कोई सेवक भी ना हो, कोई संपत्ति ना हो, और आगे पीछे चलने वाला कोई ना हो, ना कोई देखभाल करने वाला हो, ऐसा जीवन जीने के लिए विवश होना, कहाँ पर गद्दों की सेज हो, मखमली बिस्तर हो, और कहाँ पर कुश की सेज हो, पत्तियों की सेज हो, जमीन की सजा हो, ऐसा जीवन पत्थरों पर बैठना हो, और कहाँ पर मुलायम बिस्तर और सारी चीजें, ऐसे जीवन में भी हंसते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अगर सीखना है, तो वह आदर्श प्रस्तुत किया है राम, इसीलिए उनका जीवन महान है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैकेयी जी को भवन में विराजमान थी और दशरथ जी उनको मनाते हुए रात भर लगे रहे, लेकिन मना नहीं पाए। सुबह हो गई तो दशरथ कहीं निकले नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं, तो लोगों को बड़ी चिंता हुई। तो उनके मंत्री सुमंत जी ने जब देखा कि कहां पर है, तो उन्हें पता चला कि दशरथ कैकेयी की महारानी। अच्छा, उसके पहले बता दें, क्योंकि राम के राजा अभिषेक की तैयारी हो रही थी, तो राजा अभिषेक की तैयारी करने वाले पूरी रात भर एकदम जग करके पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे कि कल सुबह ही सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, तो लिहाजा से सारे लोग रात्रि जागरण कर रहे। दूसरी तरफ दशरथ जी और कैकेयी इसलिए रात्रि जागरण कर रहे थे, उनका प्रसंग दूसरा था, वह दुख में रात्रि जागरण कर रहे थे और सारे लोग सुख में रात्रि जागरण कर रहे थे। तो नींद नयो नींद नित्यों, दोनों तरफ से हालत बेहाल। तो उस स्थिति में जब सुमंत्र जी पहुंचे, तो उस राजमहल के सन्नाटे ने उनका स्वागत किया, और जिस ढंग से स्वागत किया, सुमंत्र जी के मन में भी थोड़ा डर बैठा कि आगे क्या परिस्थितियां, देखिए कैसे कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो जो कहा जाता है, आने वाली घटनाओं की छाया भी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही छाया के रूप में परिस्थितियों ने सुमंत्र को बताया कि कुछ अच्छा नहीं है। सुमंत्र जी पहुंचे तो दशरथ पलंग पर बेसुख पड़े थे, कैकेयी उनके पास बैठी थी। तो सुमंत्र दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए, उसके पहले कैकेयी ने कहा कि ये राजा दशरथ राम से कुछ कहना चाहते हैं और वो राम को ही अपनी बात बताएंगे। और दशरथ जी ने टूटी फूटी आवाज में बहुत कराहती हुई वेदना में राम को बुलाने का आदेश दिया सुमंत्र को। खैर, सुमंत्र जी तत्काल पहुंचे और राम से कहा कि आपको इसी समय तत्काल राजभवन चलना है और महाराजा दशरथ जी आपको बुला रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो राम को लेकर के सुमंत्र तुरंत ही अयोध्या नरेश दशरथ जी के सामने प्रस्तुत हुए, जो उस समय कैकेयी के महल में थे।
राम ने दशरथ जी को प्रणाम किया और फिर अपनी माँ को प्रणाम किया कैकेयी जी को। उनका माँ, क्या आदेश है, क्या मेरा कोई अपराध हो गया है कि ऐसे क्या है कि महाराज आज बहुत ही अस्वस्थ अवस्था में पड़े हैं, इनके दुख का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। माते आप मुझे आदेश प्रदान करें। हे माँ आप बताएं कि इनके पीड़ा का कारण क्या। तो कैकेयी ने कहा कि राम, इनसे हमने दो वचन मांगे जिसमें दशरथ ने उन वचनों को देने में इनके मन में पीड़ा हो रही है, इसीलिए परेशान है। और वो वचन पहला ये है कि भरत को राजगद्दी मिले और आप बन जाएं, और वो भी 14 वर्षों के लिए। ये दोनों वचन हैं और इसी कारण ये परेशान हैं। तो राम ने तुरंत ही सहर्ष संकेत दिया कि माँ मैं तुरंत ही भरत जी को राजगद्दी मिले, ये तो मेरी हार्दिक प्रसन्नता होगी। और आप अगर चाहती हैं तो मैं 14 वर्ष अवश्य जंगल में रहूंगा, इसके लिए पिताजी जरा सा भी शोक न करें, मैं सहर्ष बन जाने को तैयार। उनके इन वचनों से कैकेयी को बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई, उसका चेहरा खिल गया। लेकिन दशरथ क्योंकि बहुत दुखी थे और इस बात से उनका दुख और बढ़ गया, उन्होंने कहा राम, ये बहुत कैकेयी बहुत धिक्कारणी है और तुम तो स्वतंत्र हो, तुम मुझे बंदी बना सकते हो, मैं वचनों में आबद्ध हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे बंदी बनाकर राज करो। तो राम ने कहा पिताजी आप बिल्कुल ऐसा न कहें, आप दुख में ऐसा कह रहे हैं और मैं आपके वचनों का पालन करूँगा, मैं वचन देता हूँ कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूँगा और आप इसके लिए निश्चिंत रहें, मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं, मुझे ऋषियों मुनियों के बीच रहकर सुख की अनुभूति होगी, तो आप इस बात से प्रसन्न रहें। राम वहाँ से सीधा अपनी माता कौशल्या के महल में गए और वो इन बातों से अनजान थी, उनको सारी बातों को सुनाया कि ऐसे ऐसे आदेश हुआ है। तो माँ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तुम रुक जाओ, ये मेरा आदेश है। लेकिन राम ने कहा नहीं, पिता का आदेश सबसे बड़ा होता है और पिता का स्थान माँ से ऊंचा है, तो आप भी उनके अधीन हैं, तो आप पिताजी की सेवा करें। कौशल्या भी जाने को तैयार थी तो, लेकिन राम ने मना किया कि आप ऐसा न करें। और राम के साथ लक्ष्मण भी सहर्ष जाने को तैयार हो गए और लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप किस बात की चिंता करते हैं, सेना से हम लोग कम शक्तिशाली नहीं है, सेना भी हमारे साथ है, तो हम लोग क्यों ना पिताजी को बंदी बना सकते हैं, उनका जो प्रस्ताव है पिताजी का। लेकिन राम ने मना कर दिया, कहा लक्ष्मण बिल्कुल ही अनुचित बात है और यह भारतवर्ष की मर्यादा और सनातन प्रवृत्तियों के खिलाफ है, पिताजी के आदेश हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो राम ने पिताजी के आदेश के वचनों का पालन करना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा और उसके पालन के लिए जरा सा भी हिचके नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे ही ये बात फैली तो राम सीता से भी मिले, सीता जी को बताया कि उन्हें बन जाना है, आप रहो और माँ और पिता की सेवा करो, वो लोग वृद्ध हैं, उनकी उम्र का भी उन्होंने एक प्रकार से उदाहरण दिया। लेकिन सीता जी ने कहा कि मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं आपके साथ छाया के साथ रहूं, तरह रहूं, तो मैं आपको किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ सकती। राम ने बहुत जंगल के जो नाना प्रकार के कष्ट हैं उनको समझाया, तो सीता जी ने कहा जब आप कष्ट सहन करेंगे तो मुझे कष्ट सहन करने में क्या समस्या हो सकती है, अगर आपको वनवास मिला है तो पत्नी होने के नाते आपका अनुगमन करना मेरा धर्म है और मैं आपके साथ अवश्य बन चलूं। खैर राम को अनुमति देनी पड़ी और राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग दशरथ जी के सामने उपस्थित हुए। कैकेयी ने तुरंत ही सहर्ष उनको बलकल वस्त्र दिए और सीता जी को भी वो पहनाने लगी। तो जब सीता जी को पहनाने लगी तो वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने कैकेयी को डांटा कि सीता जी इस तरह से इन वस्त्रों में नहीं जाएंगी और अगर ऐसा है तो सारी अयोध्या क्यों न चले सीता के साथ। तो कैकेयी को थोड़ा शर्म महसूस हुआ और उनके लिए हो गया कि वह किसी भी तरह से रह सकती हैं, उन्हें किसी वस्त्र की इस तरह से अनिवार्यता नहीं है। और एक पेटी में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें सीता जी के लिए व्यवस्था की गई ताकि उन्हें वस्त्राभूषणों का कोई अभाव न हो मन में भी।
ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया। कुल मिलाकर के यह सभी लोग, तीनों लोग वन के लिए तैयार हो गए। एक तीव्रगामी रथ तैयार किया गया जिसको सुमंत्र जिसके सारथी बने, और राम ने कहा कि बहुत तेजी से रथ हाँकिए ताकि कोई समस्या ना हो, और हम लोग बहुत ही, क्योंकि राज्य परिवार तो दुखी था ही, इसके साथ सारी प्रजा भी राम का अनुगमन कर रही थी, तो रात में एक जगह विश्राम करके तमसा नदी के तट पर, और सुबह भोर होने के पहले ही राम ने अपने सारथी से कहा कि सब रथ को बहुत तीव्र हाँके ताकि जनता हमारा पीछा न कर पाए। तो सब लोग तमसा नदी के तट से बहुत तीव्र गामी रथ के द्वारा बहुत तेजी से गए, और सई नदी जो कि राम दशरथ जी के राज्य की सीमा थी, वहाँ पहुँच करके राम ने अपने राज्य को प्रणाम किया और कहा कि हे अयोध्या, अब हम 14 वर्ष के बाद आपका दर्शन करेंगे। तो वहाँ से फिर आगे निकल करके इन लोगों ने रात्रि विश्राम प्रयागराज में श्रृंगवेरपुरम के पास किया, जहाँ के निषाद राज ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उनके लिए शयन के लिए उन्होंने कुश वगैरह की चटाइयाँ बिछाई, उसका एक बिछौना बिछाया, क्योंकि राम ने सारी चीज़ों को त्याग कर दिया था। वो कह रहे थे कि हम नगर में और किसी घर में नहीं जाएंगे, नहीं तो निषाद राज ने सारा प्रबंध अपने घर किया था, लेकिन वहाँ वो नहीं गए और वो लोग उसकी चटाई पर ही सोए, उसके बिस्तर पर सोए। और आपको बता दें कि जब भरत जी राम की खोज में गए, चित्रकूट जा रहे थे, तो वो जो कुश की जहाँ पर कुश की बिछौना था कुश का, उस बिछौने के पास भरत जी बहुत दुखी होकर के बैठे, और उन्होंने देखा कि सीता जी के कुछ वस्त्र आभूषणों में से सोने के कुछ टुकड़े वहाँ पड़े हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में राम और सीता ने यही शयन किया था। और चूंकि उस समय सोना चांदी बहुत ही इस तरह से था कि आभूषणों में भी वस्त्रों में भी लगाए जाते थे, तो बहुत दुखी हुए भरत जी कि देखो मेरे भैया जो इस अवस्था में सो रहे हैं। तो खैर, विधि के विधान को कोई नहीं पलट सकता कि भगवान किसके जीवन में क्या लिखे हैं और कैसे क्या होना है। बहरहाल वहाँ से गंगा जी पार करके यह लोग आगे प्रयाग के लिए प्रस्थान किए। और इधर चूँकि राजा सुमंत जब लौट आए दशरथ के पास, तो जो कि दशरथ बहुत दुखी थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें पूछा कि तो क्या हुआ सुमंत मंत्री, क्या कैसे क्या क्या का राम कैसे रहते हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, क्या वो बहुत दुखी थे नहीं थे, तो बहुत कुछ समझाया। लेकिन क्योंकि राजा बहुत दुखी थे इसलिए उनके ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा, और वह दुखी की अवस्था में ही छठवें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए भगवान का नाम लेते हुए। तो एक पिता के रूप में उनकी भी अपने पुत्र के लिए मृत्यु हुई, और जिसका उन्हें श्रवण के माता पिता ने श्राप भी दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पुत्र वियोग में आपको अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो एक दुखद प्रसंग का समझिए पटाक्षेप हुआ। लेकिन अयोध्या के जो मंत्रीगण थे, उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई, कहा कि राजा के बिना राज्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के आक्रमण का भय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रजा में अशांति फैल जाती है। तो तुरंत ही इस बात को गोपनीय रखते हुए और भरत जी को बुलाया गया। तो तीव्रगामी घोड़ों के द्वारा सूचना दी गई कि भरत जी को न बताया जाए कि अयोध्या में क्या हुआ है, और उन्हें तत्काल लाने का प्रबंध किया जाए ताकि अयोध्या की राजगद्दी सुनी न रहे। तो आज की कथा पर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और पुनः अगले सोमवार पर चलेंगे। तब तक सभी को मेरा नमन और ओम शांति। आप सभी लोग जो नए कथा श्रोता हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अपने समस्त दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। कुछ नहीं, आपका कुछ इसमें खर्चा नहीं है, लेकिन हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आप थोड़ा सा करेंगे तो जो हमें संतोष होगा। तो सबको ओम शांति।